पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का मंगलवार को मोहाली के निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह 95 साल के थे। पिछले कई दिनों से वह अस्पताल में भर्ती थे। प्रकाश सिंह बादल 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं। सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी उनके नाम पर था। जब वह मुख्यमंत्री पहली बार 1970 में बने थे तब उनकी उम्र 42 साल थी। प्रकाश सिंह बादल का जन्म 8 दिसंबर 1927 को पंजाब के छोटे से गांव अबुल खुराना के जाट सिख परिवार में हुआ था। प्रकाश सिंह बादल की पत्नी सुरिंदर कौर का भी देहांत हो चुका है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल उनके बेटे हैं। आज़ादी के बाद राजनीति में उन्होंने कदम रखा था। प्रकाश सिंह बादल ने 1947 में राजनीति में पदार्पण किया था। 1957 में पहला विधानसभा चुनाव जीता था। 1969 में प्रकाश सिंह बादल दोबारा विधायक बने थे। वही प्रकाश सिंह बादल 1970 से 71, 1977 से 80, 1997 से 2002 तक पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। 1972, 1981 और 2002 में वह नेता विपक्ष भी रहे। प्रकाश सिंह बादल सांसद भी रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री भी रह चुके थे। 1 मार्च 2007 से 2017 तक उन्होंने लगातार 2 बार मुख्यमंत्री का दायित्व निभाया। इस तरह वह 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। उनके निधन पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति समेत तमाम बड़े नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। उनके निधन पर 2 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। और प्रकाश सिंह बादल पब्लिक में काफ़ी लोकप्रिय थे। उनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब से उन्होंने राजनीति में पदार्पण किया तब से वो लगभग चुनाव हमेशा जीतते रहे। सिर्फ 1962 में जब अकाली ने राजनीति विधानसभा के चुनाव का बहिष्कार किया था तब उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था, वरना वो हमेशा चुनाव जीतते रहे। आपातकाल में इंदिरा गांधी का विरोध उन्होंने किया था और इस तरह वो काफ़ी बड़े कद के नेता माने जाते थे। यही वजह है कि उनके निधन के बाद उनके गांव समेत तमाम देश में शोक की लहर पैदा हो गई है।